नमस्कार किसान भाइयों। पिछले वीडियो में मैंने वेस्ट डिकम्पोजर के साथ जैविक खेती के बारे में आपसे चर्चा की थी और उस जैविक खेती का क्या रिजल्ट है, वेस्ट डिकम्पोजर का क्या रिजल्ट है। आज ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है ताकि मेरे किसान भाइयों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे कि इस तरीके से खेती हो भी सकती है या नहीं, कहीं केमिकल खेती से ऑर्गेनिक खेती में आएंगे तो हमारा कहीं नुकसान ना हो जाए। ये एक किसी किसान भाई का हमारे बाग है जो पिछले 2 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि वेस्ट डिकम्पोजर बनाकर सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपने खेत में तैयार करके हम साथ में जैविक कीटनाशक हम खेत में ही तैयार करके और रूढ़ी की खाद को वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा 21 दिनों में तैयार करके अगर इन सब चीज़ों का हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारी जैविक खेती से एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। ये 5 एकड़ किन्नू का बाग है, आप इस बाग की कंडीशन देख सकते हैं। आप यहाँ अभी फ्लावरिंग आई हुई है, नया किन्नू जो फ्रूट है वो सेट हो रहा है। इसके अंदर ये भाई पिछले 2 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर पानी के साथ ज़मीन को देते हैं, बाग को देते हैं और साथ में उसमें 10% सूक्ष्म पोषक तत्व और 10 से 20% जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। और स्प्रे के माध्यम से भी ये किसान भाई जब स्प्रे करते हैं तो जो 2000 लीटर ड्रम के अंदर 20 से 30% वेस्ट डिकम्पोजर ताज़ा बना हुआ, साथ में 10% सूक्ष्म पोषक तत्व और बीमारी के हिसाब से 5 से 50% के बीच में जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। ये बाग बिल्कुल हरा भरा है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहली स्प्रे करते हैं जब इस बाग की कटाई स्टार्ट होती है, उसके बाद दूसरी स्प्रे होती है जब इसका फ्रूट सेट हो जाता है। जैसे इस प्रकार ये देखो, बिल्कुल पास में आपको दिखा सकता हूँ, ये फ्रूट है, ये यहाँ पे ये फ्रूट है, ये सेट हो गए हैं, ये वाले फ्रूट है। अभी इसमें एक स्प्रे हो चुकी है, उसके बाद 3 से 4 स्प्रे महीने महीने के अंतराल के अंदर ये करते हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, आप इस जमीन की मिट्टी भी देख सकते हैं पूरी तरीके से बदल चुकी है, पूरी तरीके से। पहले ये केमिकल फार्मिंग करती मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त थी, अभी आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो किसान भाइयों, आप भी इसी तरीके से जैविक खेती करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप आने वाले टाइम में इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको फ़ायदा होता है तो इस वीडियो के नीचे आगे हमें कमेंट करके बताइए कि हमें इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी हम ऐसी वीडियो किसानों के लिए लेके आएंगे। हमारा यही मोटिव है इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने का कि किसान अपने पैरों से खड़ा हो, अपनी आमदनी को बढ़ाए, खेती के अंदर लागत को कम करे, उनको मार्केट पे डिपेंड ना रहना पड़े, ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ ना हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से खेती को करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।